आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन है उसमें 4 तक कर चुके हैं, 5 से प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर सक्सेशन इनटू 2 टॉसेज ऑफ डाइस। एक डाइस को टू टाइम्स सबको थ्रो करना है। और सक्सेस इज डिफाइंड है, सक्सेस डिफाइन कैसे होगा, कंडीशन है ए नंबर ग्रेटर देन 4। एक हम लोग डाइस को 2 बार टॉस करेंगे और नंबर जो दोनों पे आना चाहिए वो 4 से बड़ा आना चाहिए। इसी पर आधारित क्वेश्चन है, इसका हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसका जो एस होगा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, तो इसका जो एन एस हुआ ये 6 हो गया। अब इसमें नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ग्रेटर देन 4, तो यहां जब देखते हैं तो 4 से बड़ा नंबर यहां 2 है, 5 और 6। तो इसको हम लोग x कर दें तो यहां पर एन एक्स जो है वो हो जाएगा 2। अब हम लोग यहां पर पी एक्स निकालेंगे तो ये 2/6 होगा, तो 1/3। और यदि हम लोग पी एक्स नॉट निकाल दें तो 1 - 1/3 2/3 हो गया। अब सक्सेस जो है उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, तो जो सक्सेस का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यदि हम लोग पी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो इसका जो नंबर है एक्स 0 रख देंगे तो एक्स 0 है, मतलब एक्स एक भी नहीं है, सक्सेस एक भी नहीं है। अनसक्सेस वाले का है 2/3 और इसमें भी 2/3, ये हो गया 4/9। अब हम लिखते हैं कि एक्स बराबर 1, तो जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स, तब ये हो जाएगा पी एक्स नॉट, ये हो जाएगा पी एक्स नॉट, तो ये हो जाएगा पी एक्स। अब इसका जब हम डाल देते हैं तो पी एक्स का 1/3 है, 2/3 है, ये 2/3 है, आई 1/3। तो इस प्रकार ये 2/9 प्लस 2/9 तो आया 4/9। अब हम लोग एक केस ये भी हो सकता है कि दोनों पर ग्रेटर देन 4 हो, तो दोनों पे जब ग्रेटर देन 4 होगा इसका मतलब हुआ कि पी एक्स और फिर पी एक्स, तो इसको हम लोग पी एक्स का हुआ 1/3 × 1/3, तो 1/9 हो गया। अब इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दिखाते हैं। तो यहां एक चार्ट बना लेंगे, ये हो गया एक्स, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। यहां एक्स का वैल्यू है 0, 1 और 2, तो फर्स्ट का आया 1/4/9
और वन वाले क्या है 4/9 और टू वाले क्या है 1/9। ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन सेम है जिसको स्टूडेंट कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब विच इंड्यूस 6 डिफेक्टिव अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर डिफेक्टिव बल्ब। 30 बल्ब्स का ग्रुप है जिसमें 6 बल्ब डिफेक्टिव है, एक बार में 4 बल्ब को निकालना है। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाना है डिफेक्टिव बल्ब का। तो हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 6 नंबर लेट कर लेते हैं, डिफेक्टिव बल्ब का डी मान लेते हैं। तो जब बल्ब डिफेक्टिव है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां हो जाएगा नंबर ऑफ डी बाई एनएस, 6 डिफेक्टिव बल्ब है ये 30, ये हो गया 5/1 हुआ। तो जब हम इसी तरह से पी डी नॉट मतलब नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव मीन्स हो गया कि गुड बल्ब ये कहें चाहे तो पीजी कहें, तो इसका जो हो जाएगा 1-1/5, ये हो गया 4/5। अब हम लोग इसका जो केस हो सकता है कि जो एक्स का वैल्यू हो सकता है वो जीरो, मतलब सक्सेस जीरो, तो सक्सेस जीरो होने का मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि डी जीरो माने डिफेक्टिव बल्ब जो है वो जीरो है, एक भी डिफेक्टिव नहीं। तो जब एक भी डिफेक्टिव नहीं है तो सबका सब गुड बल्ब है, चार बल्ब जो है, तो हो जाएगा पी जी 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 जी। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुड बल्ब का यहाँ पे 4/5 है, 4/5, 4/5, 4/5, 4/5। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हो गया 2/5, 6/6, 2/5, ये हो गया फर्स्ट का। अब हम ऐसा करते हैं कि एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि डिफेक्टिव बल्ब एक डिफेक्टिव, तो जब एक डिफेक्टिव हो गया तो इसका कंडीशन हो सकता है कि एक गुड हो, एक गुड हो, एक गुड हो, हाँ एक डिफेक्टिव हो। अब ये भी हो सकता है और इसका अपोजिट भी हो सकता है कि शुरू वाला ही डिफेक्टिव हो अब बाद वाला सब गुड हो, और ये भी हो सकता है कि शुरू में गुड हो, एक डिफेक्टिव हो, अब फिर गुड हो, अब फिर गुड हो, और ये भी हो सकता है कि शुरू में जो है दो गुड हो, एक डिफेक्टिव हो और फिर गुड हो, और ये भी हो सकता है अब हम लोग कुछ भी करेंगे तो ये पोजीशन जो है यही है। तो इसको हम लोग 4 times आएगा, इसमें क्या होगा कि यहां गुड बल्ब जो है 3 रहेगा,
थ्री बाई फाइव और डिफेक्टिव बल्ब वन बाई फाइव। तो इसमें थ्री बल्ब जो है गुड है और वन डिफेक्टिव है, दिया हुआ एक डिफेक्टिव होगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं फोर इंटू, ये हो गया 64 बाय 125 इंटू वन बाय फाइव। तो ये हो गया 256 बाय 625। अब हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि डिफेक्टिव बल्ब दो, तो जब दो डिफेक्टिव बल्ब रहेगा तो इसका जो कंडीशन है कि हो सकता है कि शुरू में दो डिफेक्टिव हो उसके बाद दो गुड हो, और यह भी हो सकता है कि शुरू का दो गुड हो और बाद का दो डिफेक्टिव, और यह भी हो सकता है कि शुरू में जो है एक गुड हो, दो डिफेक्टिव हो, फिर एक गुड, और इसका अपोजिट भी हो सकता है कि शुरू में दो डिफेक्टिव हो, एक गुड हो और फिर डिफेक्टिव हो, और यह भी हो सकता है कि एक गुड हो, एक डिफेक्टिव हो, फिर एक गुड हो, फिर एक डिफेक्टिव, और यह भी हो सकता है कि शुरू में एक डिफेक्टिव हो, एक गुड हो, फिर डिफेक्टिव हो, फिर गुड हो। इस तरह से हम देखते हैं कि छह इसमें केस है जिसमें जो डिफेक्टिव का वन बाई फाइव दो डिफेक्टिव होगा और फोर बाई फाइव जो गुड बल्ब है ये दो। तो इस प्रकार से यह हुआ 4 4 16 और 16 × 6 96, और ये हो गया 2 625। अब हम लोग आगे केस देखते हैं कि हो सकता है कि डिफेक्टिव 3 हो। तो जब डिफेक्टिव 3 रहेंगे तो उनका कंडीशन ऐसा हो सकता है एक गुड हो बाकी सब डिफेक्टिव हो, और ये भी हो सकता है जितना इसमें है ये मल्टीप्लाई जो हम लिख रहे हैं, तो हम लोग इसको चाहेंगे तो और यदि दिया है तो प्लस भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और दिए तो प्लस भी करें, और यहां हो गया सब प्लस ऊपर भी, और का मतलब मैथमेटिक्स में प्लस होता है। तो अब हम लोग इसको अपोजिट भी कर सकते हैं कि शुरू में डिफेक्टिव हो, शुरू में इसका सब डिफेक्टिव हो 3 और एक गुड बल्ब, और यह भी हो सकता है कि शुरू में दो डिफेक्टिव हो, एक गुड हो, एक डिफेक्टिव हो, और यह भी हो सकता है कि एक शुरू में डिफेक्टिव हो, एक गुड हो, आपके लास्ट में दो डिफेक्टिव। इस प्रकार से इसमें 4 केस होंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4, और इसमें गुड क्या है 1 वन बाई फाइव, 4 बाई 5 वन बाई फाइव हो गया ये 3 टाइम्स। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया 16 और ये हो जाएगा 625। अब एक केस ये भी हो सकता है
कि सबका सब डिफेक्टिव, डिफेक्टिव हो जाएगा इक्वल टू फोर, तो यह हो जाएगा पी डी 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 डी। तो इसको हम लोग 1/5, इसको हम लोग 4 टाइम्स कर देंगे तो 1/6 to 5। अब जब इसका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाने के काम करेंगे तो इसको हम लोग, ये हो गया नो डिफेक्टिव, ये हो गया आपका ये हो गया एक्स, ये हो गया पी। तो इसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं, जीरो, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, ये 4 डिफेक्टिव। तो हम लोग जीरो का दिया हुआ है 2/5 6/6 to 5, 1 का दिया हुआ है 2/5 6/6 to 5, और उसके बाद 2 डिफेक्टिव का दिया हुआ है 96 6 to 5, और 3 डिफेक्टिव का 16/6 to 5, और 4 डिफेक्टिव का है 1/6 to 5। ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है अ कॉइन इज बेस्ट सो दैट हेड इज 3 टाइम्स, हेड 3 टाइम्स है, ट्वाइस टॉस्ड एज लाइकली टू बी ऑकर एज टेल, 3 टाइम्स जो है 3 टाइम्स हेड है टेल्स के अपेक्षा। इफ कॉइंस इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार किसी कॉइंस को टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, जो हेड है 3 टाइम्स है टेल्स का, 2 बार कॉइंस को थ्रो किया गया है और टेल का हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला है 7 नंबर क्वेश्चन में, इसको हम लोग जो हेड है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है टेल का, ऐसे समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहां इसको लेट कर देते हैं, लेट पीटी इक्वल टू पी, देयरफॉर पीएच इक्वल टू हो गया 3p। तो यहां पर 3p प्लस पी 1, टोटल प्रॉपर्टी 1 होता है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 4p इक्वल टू 1, दैट इज पी इक्वल टू 1/4, और इसका जो है पी नॉट जो हो जाएगा 1 - 1/4, तो ये हो गया 3/4। अब इसमें ये हो सकता है कि टेल जीरो, मतलब एक भी टेल नहीं, तो 2 टॉस करना है, एक भी टेल नहीं हो, इसका मतलब होगा कि दोनों के दोनों हेड हो, तो जब पी एच रहेगा दोनों हेड होगा, इसको हम क्या कहेंगे पी एच इंटू पी एच, इसको हम कह सकते हैं हेड का, यहां हेड का हम लोग हेड का दिया हुआ है, इसको हम लोग टेल माने, तो ये जो है हेड का होगा, तो ये हो गया 3/4 इंटू 3/4 9/16। अब हो सकता है कि टेल 1, तो जब टेल 1 होगा तो ये क्या होगा, पहला होगा टेल
तो दूसरा हेड होगा, ये भी हो सकता है कि पहला ही हेड हो तो दूसरा टेल होगा, तो हेड का हो जाएगा, टेल वाले का भी निकाले हैं 1/4 इंटू 3/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4, तो ये हो गया 3/16 प्लस 3/16, ये हो गया 6/16 इसको कर सकते हैं। अब हम लोग अब P2 वाले का देख लेते हैं, तो हो सकता है कि दोनों का यहां हो सकता है कि दोनों का दोनों टेल हो, तो टेल बराबर 2, तब यहां हो जाएगा PT IVT, तो PT into PT, तो ये हो गया 1/4 इंटू 1/4, तो 1/16 ये हो गया। और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाना होगा, इसके लिए इधर स्टूडेंट्स लिख लिए होंगे, तो इस तरफ का हमको मिटाना होगा। हम देखते हैं इसका चार्ट, तो यहां पर जीरो 1 2, तो ये हो गया। यदि हम लोग टेल के टर्म में लिखेंगे तो ये टी हो गया, ये पीटी हो गया, 0 1 हो रही है 2, तो यहां जब 0 टेल है उसका दिया हुआ है 9/16 और इसका दिया हुआ है 6/16 1/16। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दिया हुआ है और चार्ट का वैल्यू भी दिया हुआ है और उसके आधार पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चार्ट इस प्रकार है, ये है दिया हुआ है वैल्यू, यहां ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया पी एक्स और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है उस 7 तक, तो 0 हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0 k 2 k 2 k, और इसके बाद दिया हुआ है 3 k, फिर k स्क्वायर 2 k स्क्वायर, इसके बाद दिया हुआ है 7k² + k 7k² + k। अब इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इसका फाइंड करना है, फाइंड k, सेकंड में दिया हुआ है px < 3 और थर्ड में दिया हुआ है px > 6 और फोर्थ में दिया हुआ है p 0 < x < 3। तो हम लोग जानते हैं
कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वन होता है, प्रोबेबिलिटी का टोटल इवेंट का सम होगा वन होगा, देयरफॉर हम याद कर रहे हैं कि जीरो प्लस के प्लस टू के प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर प्लस सेवन के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू वन। स्क्वायर करेंगे वन टू थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव थ्री एट, एट वन नाइन, तो ये हो गया नाइन के, और सेवन टू नाइन वन टेन, टेन के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन। इसको हम इधर लाएंगे तो टेन के स्क्वायर प्लस नाइन के माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग टेन के स्क्वायर प्लस टेन के माइनस के और माइनस वन लिख सकते हैं। इसको हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो यहां से टेन के कॉमन ले लेते हैं, टेन के कॉमन लेंगे तो के प्लस वन बचा, और यहां से माइनस वन कॉमन लेंगे तो के प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब उसको जब हम सोल्व करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा टेन के माइनस वन इंटू के प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज के प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां के इक्वल टू माइनस वन, ये हो गया नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो है वैल्यू माइनस नहीं होता है। अब सेकेंड जो इसमें है टेन के माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज हो जाएगा टेन के इक्वल टू वन, दैट इज के इक्वल टू वन बाई के, तो ये हो गया आंसर हो गया फर्स्ट का। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है कि यहां वैल्यू निकालना है लेस देन थ्री, लेस देन थ्री में हो जाएगा पी जीरो, पी जीरो पी वन प्लस पी टू, तो जीरो वाले का तो हो गया जीरो, वन वाले का के, और टू वाला का हो गया टू। तो अब जो है ये हो गया थ्री के, तो थ्री इंटू वन बाई टेन, तो हो गया थ्री बाई टेन, ये हो गया आंसर। अब हम थ्री वाले का देख लेते हैं, थ्री वाले का है पी एक्स ग्रेटर देन सिक्स, तो एक्स ग्रेटर देन सिक्स में मतलब हुआ क्या हुआ पी सेवन, तो पी सेवन का जो वैल्यू दिया हुआ है ये सेवन के स्क्वायर प्लस के, तो यहां सेवन इंटू वन बाई टेन बिलो होल स्क्वायर आप प्लस वन बाई टेन, तो ये हो जाएगा सेवन बाई हंड्रेड आप प्लस वन बाई टेन, तो जब हम फाइनल करेंगे तो सेवनटीन बाई हंड्रेड। अब इसका फोर नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो यहां पर जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए और थ्री से छोटा होना चाहिए, तो ये सब इस प्रकार आगे का जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, स्टूडेंट उसको कर लेंगे। जय हिंद।